हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो ड्यूटी आफ्टर स्कूल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, क्रीचर के बढ़ते आतंक को देखकर लेफ्टिनेंट ली और ऑफिसर किंग अपने बटालियन स्टूडेंट को दो ट्रक में बिठाकर इन्हें सेफ जगह पर ले गए थे, जहाँ ट्रक नंबर दो तो कैंप में पहुँच गई थी, पर ट्रक नंबर वन शाम होने तक भी जब नहीं पहुँचती है, लेफ्टिनेंट ली और इसके बटालियन के बचे स्टूडेंट्स अपने बाकी के साथियों को ढूंढने निकल पड़े थे। अब इससे आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल के सेकंड लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 5 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट ली और स्टूडेंट्स के साथ जो कि ट्रक नंबर 1 को ढूंढ रहे होते हैं। तब रास्ते में पड़े लाशों को देखकर इनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तभी इनकी नज़र ट्रक नंबर 1 पर पड़ती है जो कि सड़क पर पलटी हुई थी, जिसके सभी ऑफिसर्स मरे पड़े थे और स्टूडेंट्स गायब थे, जिस पर ये लोग समझ जाते शायद सभी स्टूडेंट कोई सेफ जगह पर छिपे हुए हैं। पर वे कहाँ हो सकते हैं, कैसे ढूंढा जाए। तभी यहाँ पर किंतु की नज़र ट्रक पर बनी यांगसिन के द्वारा बना एरो पर पड़ती है, जिससे कि ये सभी उसी डायरेक्शन में जब फॉलो करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं, इन्हें क्रिएचर्स की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं, जिसे सुनते ही सभी लेफ्टिनेंट के ऑर्डर पर अलर्ट होकर अपने अपने राइफल को लेकर तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही क्रिएचर इनको दिखता है, ये सभी अपनी पूरी ताकत से क्रिएचर को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शर्त के अनुसार जैंगसू को क्रिएचर का ध्यान भटकाना था, तब बाकी सब यहाँ से निकल जाएंगे। अब जैंगसू ऐसा ही करता है, गराज से बाहर निकल कर क्रिएचर को खुद की तरफ रिझाना शुरू कर देता है। तब साइड से इसके बाकी के दोस्त ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी ये लोग गौर करते हैं हारिक नाम का लड़का तो यहाँ से गायब है। हारिक वही बंदा था फ्रेंड्स, जिसे बचाने के लिए जैंगसू ने अपनी लकड़ी छोटी कर पीछे रहने का फैसला किया था। खैर, इधर सभी को ज़्यादा देख जैंगसू को बुरा तो लगता है, पर इस बात की तसल्ली भी होती है कि शायद इसकी कुर्बानी से इसके दोस्तों की जान बच जाए। और फिर जैंगसू खुद क्रिएचर से छिपने का ठिकाना ढूंढने लगता है, पर आखिर में क्रिएचर जैंगसू को देख ही लेता है और पीछे पड़ जाता है। अब क्रिएचर जैसे जैंगसू पर हमला करने ही वाला होता है, तभी पीछे से हारिक आकर नाइट्रोजन गैस से क्रिएचर को जमा देता है और जैंगसू को बोलता है, बड़ा हीरो बनने का शौक है, मेरी जगह तुमने खुद की जान क्यों खतरे में डाली। अभी दोनों बेचारे दोस्त थोड़ी राहत की सांस लेकर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ऊपर से एक और क्रिएचर इन पर हमला करने के लिए जैसे ही कूदता है, तभी ऐन वक्त पर लेफ्टिनेंट ली और यहाँ पर नोरा आकर इन्हें बचा लेते हैं। और फिर लेफ्टिनेंट ली सभी बच्चों को सही सलामत लेकर ट्रक पर बिठाकर अपने कैंप में वापस लौट जाता है, जहाँ पर जब सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होते सभी एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन्हें नई जिंदगी मिली हो, और इन बच्चों के होठों पर मुस्कान देख लेफ्टिनेंट भी चैन की सांस लेता है। जहाँ कैंप पर पहुँचते हैं ऑफिसर किम भी इन सभी को सुरक्षित देखकर काफ़ी खुश होता है, जिसके बाद इन सभी स्टूडेंट के रहने का व्यवस्था किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, और फिर अगली सुबह होते ही इन सभी को प्रॉपर सोल्जर्स वाली कॉस्ट्यूम भी मिल जाती है, और लगातार अभी भी टाइम टू टाइम इनकी ट्रेनिंग चलते ही रहती है। अब दो चार दिन यूं ही सुकून से बिताने पर बच्चों के मन से क्रिएचर का डर खत्म होने लगा था। सभी वापस से पहले की तरह मस्ती मजाक करने लगे थे, पर कुछ बच्चों के दिमाग पर इन पर्पल अंडर ने ऐसा छाप छोड़ा था कि वे जाकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। हर रोज इस डर में रहा करते थे कि कहीं क्रिएचर का अंडर इस जगह पर गिर गया तो इनका क्या होगा। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होती है ऑफिसर्स की इस खास मीटिंग पर, जिसमें ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि चूंकि इन छोटे क्रिएचर्स का खाना इंसानों का खून है, ज़्यादातर अंडे घने आबादी वाले क्षेत्र में ही गिर रहे हैं जहाँ उन्हें प्रॉपर खाना मिल सके। इनका ये कैंप अभी तक सुरक्षित इसलिए है क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर है, एकांत में, और इस मीटिंग का मेन मकसद ये है कि क्रिएचर्स को मारने के चक्कर में इनके कई जवान मारे गए हैं। अब वो वक्त आ चुका है कि इन स्टूडेंट्स को भी ऑपरेशन के लिए भेजा जाए। अब तक तो सभी फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से इस सिचुएशन के अनुसार ढल ही चुके होंगे, इसलिए कल सुबह होते ही लेफ्टिनेंट ली के बटालियन को ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अब ये सुन लेफ्टिनेंट ली और ऑफिसर किम के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाते हैं, ये सोचकर कि जिन बच्चों को इन्होंने अभी तक सबसे बचा कर रखा है कल इन्हें खुद उन्हें मौत के मुँह में ले जाना है। पर लेफ्टिनेंट ली अब करे भी तो क्या करे, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। इसे बस यकीन इस बात का था कि इसने जो जो अपने बटालियन को सिखाया है शायद उतना सरवाइव करने के लिए उन लोगों के लिए काफ़ी होगा।
अब इस मीटिंग के बाद फौरन ही लेफ्टिनेंट ली के बटालियन को बुलाया जाता है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें शायद इनके घर भेजने के लिए बुलाया गया है। सभी काफ़ी खुश थे, पर जैसे ही इन्हें कल के ऑपरेशन के बारे में मालूम पड़ता है सबके तो होश ही उड़ जाते हैं। सभी इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि कोई ढंग से खाना भी नहीं रात को खा पाता है। तो इधर लेफ्टिनेंट ली भी काफ़ी परेशान होता है और अफसर किम को बोल रहा होता है कि बच्चे ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, पता नहीं कल क्या होगा। ऊपर से फॉर्मेलिटी वाला पेपर भी साइन करनी है जिसमें ये लिखा हुआ कि अगर कल किसी की मौत होती है तो उसके लाश को लाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि वे युद्ध में मारे जाएंगे। मैं किस मुंह से बच्चों के पास ये पेपर लेकर जाऊं और उनसे सिग्नेचर मांगूं? लेफ्टिनेंट ली जब ये सारी बातें बोल रहा होता है, योहाना इनकी सारी बातें छिपकर सुन लेती है। तब लेफ्टिनेंट ली के टेंशन को कम करने के लिए योहाना ही चुपके से फॉर्मेलिटी वाले सारे पेपर को चुरा कर अपने क्लासमेट को बांटना शुरू कर देती है। तब योहाना के दोस्त पहले तो इसे ही गलत समझने लगते हैं कि शायद इसमें योहाना का कोई फायदा है, तभी तो ये बिना कोई ऑब्जेक्शन लगाए इनके मौत का फरमान लेकर आ गई है, जिसे सुन योहाना को बहुत बुरा लगता है। तभी अपने मन की बात सभी के सामने रख कर चुपचाप अकेले निकल कर जाकर बैठ जाती है और सारे सिचुएशन के बारे में सोच सोच कर काफ़ी परेशान होने लगती है, जिसके कुछ देर बाद सभी काफ़ी सोच विचार करके अब रात को ही सभी इकट्ठा होते हैं और आपस में ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग पेपर पर साइन जरूर करेंगे और कल ऑपरेशन के लिए भी जाएंगे। अब ये चीज़ें जैसे लेफ्टिनेंट ली को मालूम पड़ती है, इन बच्चों के मूड फ्रेश करने के लिए सबसे पहले तो ये ऑफिसर किंग को बोलकर कच्चा खाना मंगवाता है और इसे सभी स्टूडेंट के साथ मिलकर पकाता है और सभी को भरपेट पहले तो खाना खिलाता है, फिर सभी को टीवी पर सिनेमा भी दिखाता है। इस पल को लेफ्टिनेंट ली इतना खास बनाना चाह रहा था कि ताकि कल अगर कोई वैसा हादसा हो भी तो लेफ्टिनेंट ली को इस बात का गम ना हो कि इसने अपनी तरफ से बच्चों को मोटिवेट करने का कोई भी कसर छोड़ा हो। बच्चे भी इस पल में इतने खो गए थे कि कल के टेंशन के बारे में भूल ही गए थे। तब काफ़ी मज़ा करने के बाद सभी इकट्ठा होते हैं और स्टूडेंट्स लेफ्टिनेंट ली से पूछते हैं कि अब तक जो भी कुछ हुआ हमें साफ साफ कभी नहीं बताया गया, हम उतने भी बच्चे नहीं हैं कि चीज़ें ना समझ पाए, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, पर आप बताओ हमें क्या ये सब खत्म होने की पॉसिबिलिटी भी है, क्या हम कभी वापस घर जा पाएंगे? जवाब में लेफ्टिनेंट बोलता है, मुझे नहीं पता ये सब कब तक चलेगा या चीज़ें और कितनी बदतर होगी, बस इतना कह सकता हूँ या यूँ कहो कि इतना वादा कर सकता हूँ कि मैं जब तक रहूँगा तुम सबको कुछ भी नहीं होने दूँगा। जिसे सुनकर सभी एक उम्मीद के साथ फाइनली सो जाते हैं और सुबह होते ही सभी ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ दो स्टूडेंट्स को एक एक क्रिएचर डिटेक्ट करने वाली पहले तो डिवाइस दी जाती है जिससे कि ये 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद क्रिएचर को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे कि ये लोग अलर्ट हो जाएंगे, जिसे लेकर इनकी ट्रक शहर की तरफ आगे बढ़ती है उन क्रिएचर्स को मारने के लिए जो कि कल रात में इस जगह पर गिरे थे। आगे शहर में पहुँचते इन्हें रास्ता जहाँ मिलता है, क्योंकि अचानक क्रिएचर्स के हमले से हर तरफ सड़क पर एक्सीडेंट हुए पड़ी थी, लोगों की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी जिन्हें देखकर बच्चे सहम से जाते हैं। पर फिर यहाँ पर खुद हिम्मत बांधकर लेफ्टिनेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ट्रक से निकलकर पैदल ही चलने लगते हैं। तभी एक कॉलोनी में घुसते ही इनका डिवाइस क्रिएचर्स को डिटेक्ट करने लगता है। तब क्या था, लेफ्टिनेंट ली के ऑर्डर के अनुसार सभी अपनी अपनी पोजीशन के साथ तैयार हो जाते हैं और क्रिएचर्स के आते ही उन्हें भुनना चालू कर देते हैं। अब यहाँ क्रिएचर्स की एक्टिविटी में हमें कुछ नया देखने को मिलता है कि ये भी इन सोल्जर्स को परेशान करने के लिए कभी इन पर छत से एंटीना गिराता है तो कभी पत्थर तक अपने टेंटकल से उठाकर इन पर फेंकता है और एक दूसरे से बात कर ग्रुप में भी इन पर हमला करता है। मीन्स कि ये क्रिएचर्स कोई बेवकूफ जीव नहीं बल्कि समझदार जीव है। वहीं एपिसोड के आखिर में जब ये लोग क्रिएचर्स को सभी घरों और मोहल्लों में ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं, ऑफिसर किम को एक घर के अलमारी में एक छिपी सी डरी सहमी सी लड़की मिलती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकेंड एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।